सलार से भौकाल काटने के बाद से ही प्रभास लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस वक्त एक्टर के पास तीन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तीन बिग बजट फिल्म के लिए घूम रहे प्रभास की स्पिरिट को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आते रहते हैं। स्पिरिट को कोई और नहीं बल्कि 900 करोड़ वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ही बना रहे हैं। उनके पास भी इस समय तीन फिल्म है, पहली एनिमल पार्क, दूसरी स्पिरिट और एक अल्लू अर्जुन के साथ। एनिमल के बाद दर्शक की डायरेक्टर से उम्मीदें काफी बढ़ गई है। ऐसे में वो स्पिरिट को वक्त लेकर बनाना चाहते हैं। अब पता चल रहा है कि इस फिल्म में रश्मिका मंदाना की एंट्री हो गई है। संदीप रेड्डी वांगा के साथ रश्मिका मंदाना एनिमल में भी काम कर चुकी हैं। उनके हाथ में इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, जो है पुष्पा 2। अब पता लगा है कि वो प्रभास की इस फिल्म में भी काम कर सकती हैं। हालांकि इसका बजट एनिमल से 4 गुना ज्यादा यानी 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बीते दिनों खबरें आई थी कि स्पिरिट आगे खिसक सकती है। इसकी वजह से संदीप रेड्डी वांगा बड़े स्केल पर इसे बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एनिमल के बाद वो किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसी बीच रश्मिका मंदाना की फिल्म में एंट्री की खबरें भी सामने आ गई हैं। छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फिल्म के लिए अप्रोच भी किया गया है। ये पहली बार होगा जब प्रभास और रश्मिका मंदाना बड़े पर्दे पे साथ काम करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 2024 में फ्लोर पर आएगी, लेकिन बीते दिनों पता लगा था कि ये अगले साल रिलीज नहीं होगी। 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और 2026 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। खैर, इन दिनों रश्मिका मंदाना पुष्पा 2 की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी और अब फिल्म का काफी हिस्सा शूटिंग करना भी बाकी है, जिसके लिए 3 अलग अलग यूनिट लगाए गए हैं। फिलहाल रश्मिका मंदाना, प्रभास या फिर डायरेक्टर की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन फिल्म में प्रभास के अपोजिट 2 नामों की चर्चा काफी वक्त से हो रही थी। रश्मिका के अलावा जो दूसरा नाम सामने आ रहा था वो था कियारा आडवाणी का, लेकिन हाल ही में छपी रिपोर्ट में रश्मिका को फाइनल बताया जा रहा है। खैर, फिल्म में बाकी स्टार कास्ट पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। बस इतना पता चला है कि प्रभास इस फिल्म में पुलिस वाले का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।